नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उत्तराखंड आउटसोर्स भर्ती के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट खबर सामने आ रही है, जिसमें टोटल मिला के जो वैकेंसी रिलीज की गई हैं 30 पोस्ट पर की गई हैं, जिसमें आपको जो पोस्ट मिलेंगी चपरासी, माली, सुरक्षा गार्ड और टेक्नीशियन, जिसमें लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और साथ ही मेडिकल में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हुई हैं। पूरी जानकारी चाहते हैं कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो 8वीं पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन तक और MBBS तक के जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भर्ती के रिगार्डिंग आती रहती हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए जानते हैं भर्ती के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज। तो ये है आपका जो आउटसोर्स वैकेंसी रिलीज हुई है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय सेवानिवृत्त जो कि देहरादून में है, सूचना स्टेशन हेड क्वार्टर सेल देहरादून उत्तराखंड में, जिसमें रिक्त पदों की जो कुल जो वैकेंसी रिलीज हुई है 30 पोस्ट पर हुई हैं। ठीक है, इसमें देखिए मेडिकल ऑफिसर की देहरादून में कुल मिला के 8 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MBBS आपका होना चाहिए, कम से कम आपका 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, जो आपका वेतनमान रहेगा 75,000 प्रति माह रहने वाला है। उसके बाद अगला है OIC विकास नगर में है, विकास नगर में 1 पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो कि मेडिकल ऑफिसर की देहरादून में 6 पोस्ट हैं और विकास नगर में 1 पोस्ट है और क्षेत्रीय केंद्र में 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो आपके पास होनी चाहिए OIC के लिए, तो स्नातक होने चाहिए स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों तथा प्रबंधकी में, न्यूनतम आपका 5 साल का क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसके लिए आपको जो वेतन दिया जाएगा 75,000 दिया जाएगा। स्त्री रोग विशेषज्ञ देहरादून में है, 1 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें आपका संबंधित विशेषज्ञता में MD या फिर MS आपका होना चाहिए, साथ ही 5 वर्ष का आपका क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1797 प्रतिदिन आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 घंटा आपका कार्य रहने वाला है। उसके बाद देखिए रेडियोग्राफर जो कि देहरादून में ही रहेगा, इसके लिए भी डिप्लोमा चाहिए, साथ ही रेडियोग्राफर कोर्स होना चाहिए, कम से कम 5 साल का अनुभव, 28,100 सैलरी आपको प्रति माह मिलेगी। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो कि देहरादून में 3 पोस्ट हैं और विकास नगर में 1 पोस्ट है, इसमें GNM डिप्लोमा या फिर क्लास NAC होना चाहिए और कम से कम आपका जो यहाँ पे होना चाहिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 28,100 प्रति माह। चालक के लिए जो है वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8वीं पास है, साथ ही आपके पास 5 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइसेंस आपके पास होना कंपलसरी है। 19,700 आपको यहाँ पे वेतन मिलने वाला है। चपरासी के लिए देखिए 1 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि देहरादून में आपकी वैकेंसी आपको पोस्ट दी जाएगी। 8th कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीडी ट्रेड सशस्त्र बल में कम से कम आपका जो है 5 साल का अनुभव होना चाहिए चालक में, चपरासी में। और इस प्रकार से आपको देखना है इसमें जो चपरासी को मिलेगा 16,800 मिलने वाले हैं। फैमिली अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है देहरादून में, विकास नगर में 1 पोस्ट है, जिसके लिए आपका जो है 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, कोई भी आपका यहाँ पे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है और 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। 16,800 आपको मिलने वाली है। उसके बाद डेंटल ऑफिसर के लिए यहाँ पे निकली है BDS, कम से कम 5 वर्ष का आपका होना चाहिए कार्य अनुभव, BDS आपका होना कंपलसरी है, 75,000 प्रति माह मिलेगा। लैब टेक्नीशियन विकास नगर में 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें BSc में आपका मेडिकल लैब टेक्नीशियन अथवा हाई स्कूल इंटरमीडिएट विषय में विज्ञान के साथ आपका और लैब डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपका 10वीं 12वीं के साथ क्या होना चाहिए विज्ञान विषय होना चाहिए प्लस लैब टेक्नीशियन होना चाहिए और प्लस में कम से कम आपको क्या होना चाहिए 3 वर्ष का यहाँ पर कार्य अनुभव होना चाहिए, 28,100 आपको मिलेगा। उसके बाद है फार्मासिस्ट देहरादून में 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें BPharma अथवा हाई स्कूल विषय विज्ञान, जिसमें ये 3 आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। भारतीय विधि परिषद एक्ट 1948 के तहत अनुमोदित फार्मेसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का आपके पास कार्य अनुभव होना चाहिए, 28,100 आपको सैलरी मिलेगी। डेंटल TATH की यहाँ वैकेंसी रिलीज हुई है 2 पोस्ट के लिए, जो कि देहरादून में 1 पोस्ट, विकास नगर में 1 पोस्ट, 2 वैकेंसी आपको रिलीज है, 28,100 आपको मिलेगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कम से 5 वर्ष का आपके पास कार्य अनुभव होना चाहिए, 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है, 16,800 आपको वेतन मिलेगा।
लिपिक के लिए देहरादून में एक पोस्ट, विकास नगर में एक पोस्ट, टोटल दो पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। स्नातक आपका होना चाहिए और 5 वर्ष का क्लर्क में कार्य अनुभव होना चाहिए और इसके लिए आप 16,800 आपको मिलेगा। चौकीदार के लिए की बात करें तो 8वीं पास होना चाहिए, जीडी ट्रेड, और इसमें आपको 16,800 रुपये मिलेंगे। सफाई वालों का भी सेम है, साक्षर होना चाहिए, कम से कम कार्य अनुभव 5 साल का होना चाहिए। 16,800 रुपये प्रति माह मिलेगा जिसको। इस प्रकार से 30 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, इसके लिए आप इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम जो आपका डेट रहेगी इस आवेदन करने की, तो ये रहेगी 14 फरवरी 2024 तक। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाने होंगे, उनकी फोटोकॉपी और कार्य अनुभव की प्रतिलिपि है, पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करके आवेदन पत्र के साथ आपको यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है 14 को है। आप ऑफलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू की तारीख और समय जो है यहाँ पर बताया गया है, 1 से लेकर 2 मार्च के मध्य 9 बजे से आपका होने वाला है। ये जो PDF फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप पूरी जानकारी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पर ये वैकेंसी रिलीज हुई है, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, पूरी जानकारी आप इस PDF फॉर्मेट को देखकर जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।